अब तक का सबसे बड़ा पोर्ट वर्ल्ड में इसको कहा जाता है। आप देख सकते हैं एक यहाँ पे है चांदी का बर्तन, सिल्वर पोर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द काशी वाशमी ब्लॉग्स। एंड आपको लेके आ गए हैं जयपुर के सिटी पैलेस में। आप पीछे देख सकते हैं मेरा टिकट काउंटर है, जहाँ से मैंने 300 का टिकट ले लिया है। और इस गेट से चलेंगे हम अंदर, तो आपको दिखाते हैं सिटी पैलेस का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। तो बने रहिए व्लॉग में, कंटिन्यू करते हैं। पहले राजा थे जयसिंह 727। यस, पहले राजा जयसिंह सेकंड थे जिन्होंने जयपुर बसाया, जयसिंह जयपुर उन्हीं के नाम से रखा गया। आप वहाँ देख रहे हैं 5 कलर का फ्लैग लगा हुआ है, वो राजा का पर्सनल फ्लैग है, जो ये बताता है कि राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी है। ओके। इसी फ्लैग के ऊपर एक वाटर फ्लैग और लगाया जाता है, वो ये इंडिकेशन करता है कि किंग पैलेस में है या नहीं। ओके। जब किंग पैलेस में होते हैं तो 2 फ्लैग लगाते हैं, किंग आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं, वाटर फ्लैग रिमूव किया जाता है। तो इंडिकेशन 727 से चला आ रहा है, तो अभी भी वो सेम यूज हो रहा है। हमारे जब राजा आते हैं ना इस पैलेस में, तो वो 2 फ्लैग लगाते हैं। अभी तो पद्नाम सिंह है ना, जी जी, इस साल के वो इंग्लैंड में स्टडी करते हैं ऑक्सफोर्ड में। और अभी वो राजा पैलेस में नहीं है, तो वो क्वार्टर फ्लैग रिमूव किया गया है। ओके, मतलब वो आएंगे तो वो फ्लैग वापस से लगा दिया जाएगा। और ये पैलेस आप लोगों के लिए ओपन किया, मतलब वो ट्रेडिशन जो है फ्लैग वाला, वो पुराना 1727 से चला रहा है, राइट? क्या बात। और ये पैलेस आप लोगों के लिए ओपन किया गया 1959 में, नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन किया, आप लोगों के लिए ओपन किया। ओके, जो ओपन किया उसी पर घूमेंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट आप देखते हैं, ब्यूटीफुल बिल्डिंग बना हुआ, इसे कहते हैं मुबारक महल। गेस्ट हाउस के रूप में से यूज किया जाता है। ओके, गेस्ट हाउस। और चारों तरफ से सिमेट्रिकल है, ये इसका प्लस पॉइंट है, चारों तरफ से एक जैसा है। बाद में 1959 में से टेक्सटाइल जोन में कन्वर्ट कर दिया गया, तो अपन अंदर चलेंगे, लेकिन इनसाइड गैलरी, नो फोटोग्राफी। अच्छा, फोटोग्राफी नो अलाउड, इनसाइड प्रोहिबिटेड है, सो सेव योर मनी। और आपका जो टिकट है वो दीजिए। इनसाइड दिस फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड, सो आपको नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ से आते थे, मतलब जो त्रिपोलिया गेट है वहाँ से सीधे एंट्री थी ना, ओनली फॉर रॉयल्स। अच्छा, ये बिग गेट्स देखते हैं, बड़े बड़े गेट्स बनाने का रीजन, एलिफेंट यूज करना, बालकनी बनाने का रीजन था, सर्विस जो सर्वेंट होते थे उनका सिटिंग अरेंजमेंट। अच्छा, ऑन द एलिफेंट आते थे ना, तो फ्लावर रेनिंग करते थे। ओके, है ना, मतलब यहाँ से फ्लावर, एंट्री गेट यही है। ओके, आज जितने भी रॉयल गेस्ट आते हैं ना, उनका वेलकम यहाँ किया जाता है। ये सब एलिफेंट सिंगल मार्बल पीस से बने हुए, 1931 में डिस्प्ले कराए गए, दोनों तरफ बने हुए हैं एलिफेंट। और ये गेट कौन से मेटल का बना हुआ है? ब्रास का काम है, लकड़ी के ऊपर, लकड़ी के ऊपर ब्रास का काम हुआ है। बहुत अच्छे से एंट्रेंस है, एंट्रेंस तो बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है। ये मेन रेजिडेंस था, उस जमाने में क्वींस कवर फेस रहते थे, इन विंडो को यूज करते थे, तो इन विंडो में वो बैठा करते थे, वो देखा करते थे, कभी कोई पर्दा पड़ता थी तो झरोके बनाए गए। और यहाँ पे शायद ये दीवाने खास वगैरह कुछ होगा, चलेंगे उससे पहले अपन डांसिंग कोर्टयार्ड एरिया देखेंगे, कोर्टयार्ड देखेंगे उससे पहले। और निवास लोग जिसे कहते हैं, ये देख सकते हैं ऊपर झरोके बने हुए हैं, यहाँ से रानियाँ बैठ करके यहाँ का नज़ारा देखा करती थी। यहाँ चलेंगे हम बाद में, पहले चलते हैं हम कोर्टयार्ड। इस पैलेस में रहते हैं राजमाता पद्मिनी देवी जी, उनकी डॉटर है दिया कुमारी जी, उनके 3 बच्चे हैं, 1, 2, 3। ओके, तो जो राजा हैं 11th जनरेशन ब्रिगेडियर महाराजा भवानी सिंह जी, उन्होंने अपनी डॉटर के एडरसन को अडॉप्ट किया अभी जो प्रेजेंट किए गए सवाई पद्मनाभ सिंह जी, उनके सिस्टर है, ये ब्रदर है लक्ष्य राज सिंह जी, उनकी सिस्टर है गौरी कुमारी जी, सिस्टर इस पैलेस में रहते हैं। तो अभी फिलहाल किंग है, नेपाल किंग ने गिफ्ट किया था, ये चाइनीज मिरर। हाँ, गंगा जल यूज करते थे, बिल्कुल।
ओनली गंगा जल यूज करते थे। जयपुर पिंक सिटी जब किंग एडवर्ड और विक्टोरिया यहाँ पे प्रिंस एल्बर्ट जिनके नाम पे एल्बर्ट हॉल है वो जब आए थे तो पिंक कलर करवाया था पूरे जयपुर को। दैट इज व्हाई जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी राइट। ओके जयपुर इन्हीं के नाम से रखा गया। आप देख रहे हैं सेवन स्टोरी बिल्डिंग है ना? सेवन स्टोरी बिल्डिंग है। ये है झरोके यहाँ से क्वीन जो भी होती थी प्रोग्राम्स वगैरह अटेंड करते थे। जो यहाँ अभी हम जिस चौक में खड़े हैं ये कोर्ट यार्ड यहाँ होते थे कल्चरल एक्टिविटीज और इन झरोकों से रानियाँ पर्दे की वजह से बाहर नहीं आती थी यहीं से देखा करती थी। तो देखिए कितने सारे विंडोज झरोके बने हुए हैं। तो ये सेवन स्टोरी बिल्डिंग है ना मेन बिल्डिंग यही है क्या? यही है ये मेन बिल्डिंग। चार सीजन गेट देख रहे हैं आप ये पहला पिकॉक गेट ट्रेनिंग सीजन की टाइमिंग में ओपन होता था। ये पिकॉक देख सकते हैं। सेकंड गेट देख रहे हैं आप लोटस गेट। लोटस गेट समर सीजन में ओपन होता था। दिस वन इज लोटस गेट राइट। समर सीजन में ओपन किया जाता था ये उस टाइम। ये है लोटस गेट एंड दैट इज पिकॉक गेट। ये जो देखते हैं गुलाब के फूलों वाला ये विंटर सीजन में ओपन होता था रोज गेट। रोज गेट तो इसका रीजन क्या था अलग अलग गेट बनाने का? ये आप वास्तु भी कह सकते हैं। अच्छा वास्तु कला के हिसाब से बनाया इन्होंने। वो जो आप देख रहे हैं वो ग्रीन वाला देख रहे हैं वो स्प्रिंग टाइमिंग में ओपन होता था। ये स्प्रिंग टाइम ओके गेट ओपन हुआ करते थे उस जमाने में। तो एंट्री तो मतलब मेन एंट्रेंस वही था ना जहाँ से हम पिकॉक गेट तो आप किया गया पहले सीजन वाइज गेट ओपन होता था। ओके उस टाइम पे जैसा गेट वैसे अब 1959 जब म्यूजियम में कन्वर्ट किया तो एक गेट ओपन रखा गया फिर उसको आने के लिए एक्चुअली गंगा वाटर स्टोर किया जाता था इसमें। अच्छा और इसका वेट है 345 केजी 345 किलो का बना हुआ है यार ये 5'3" हाइट एंड 2000 लीटर वाटर कैपेसिटी। 2000 लीटर यस सर। 14,000 सिल्वर कॉइंस को मेल्ट करके बनाया गया 14,000 चांदी के सिक्के और आई थिंक ये सबसे बड़ा चांदी का एशिया में एशिया और वर्ल्ड का मेरे ख्याल से वर्ल्ड का तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हम इसको क्या बोल सकते हैं चांदी का बर्तन सिल्वर पोर्ट 2000 लीटर जिसमें पानी आ सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा 1992 की बात है इंग्लैंड की इनका कॉर्नेशन सेरेमनी था उन्होंने हमारे किंग को इनवाइट किया तो हमारे किंग ने डिसीजन लिया कि मैं वहां का वाटर यूज नहीं करूंगा तो इन दोनों को गंगा जल से भर के इंग्लैंड लेके गए। ओके ये दोनों लेके गए थे इंग्लैंड। ओके तो आप लोगों को दिखाने के लिए यहां डिस्प्ले किया तो भी डिस्प्ले के लिए रखा गया है और दोनों चांदी के बने हुए। तो चांदी से बना अब तक का सबसे बड़ा पोर्ट वर्ल्ड में इसको कहा जाता है। आप देख सकते हैं एक यहाँ पे है और एक सामने दो पोर्ट यहाँ रखे गए डिस्प्ले के लिए। ये वेपन्स है ना
अब अपन चल रहे हैं दीवाने आम, आपने दीवाने खास विजिट किया, आप दीवाने आम चल रहे हैं। यहाँ पब्लिक की प्रॉब्लम का सलूशन किया जाता था, ये वो कैनन है जिनको यूज किया जाता था टाइमिंग के। देखो सबसे बड़ी तोप हमारे यहाँ जैगर फोर्ट में। हाँ जी, जिस पॉइंट पे अपन चल रहे हैं देखने के लिए, वो इस तरीके से उस पॉइंट को यूज करते थे, राजा दरबार लगाते थे, मान सिंह जी बैठे हुए हैं, गार्ड्स मिनिस्टर्स और क्वींस कवर फेस रहते थे, विंडो का यूज करते थे और उन पीछे विंडो में क्वींस रहती थी। ओके, तो ये दीवाने आम जा रहे हैं अभी। लॉर्ड माउंटबेटन, लेडी माउंटबेटन यहां आ चुके हैं मान सिंह सेकंड के साथ। ओके, ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश टाइम के टाइम हमारे यहां। और रेड कार्पेट प्रोसेशन दिखाया गया, राजा किस तरीके से आया करते थे, आज भी आते हैं इस तरीके के रेड कार्पेट वो यूज करते हैं। और यहाँ पे आप देखिए सेरेमनी पे पूजा करते हुए, ठीक है। तो यहाँ आप अंदर चलेंगे तो अंदर फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, तो सॉरी। अच्छा, यहाँ भी फोटोग्राफी अलाउड है। फोटोग्राफी अलाउड नहीं, यहाँ से बंद कर दें। अच्छा, पहले जो बीच में बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पहले किस यूज में आती थी? गेस्ट हाउस। ये गेस्ट हाउस, मतलब जो भी गेस्ट आते थे उनको यहाँ रुकाया जाता था, और ये जो मेन रेजिडेंस है वो यहाँ से गेट के अंदर जाके एंट्री गेट होता था। आज भी वेलकम गेट है। ओके, बहुत बढ़िया, वेलकम करना। तो ये गेस्ट के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे कहा गया मुबारक महल। ओके, और ये है वेलकम गेट, मेन रेजिडेंस के लिए ये है गेट। यार सिटी पैलेस में सिर्फ ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं वैसे, और जहाँ देखने का है वहाँ फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है। तो जहाँ तक फ़ोटोग्राफी अलाउ थी वहाँ पे हमने आपको दिखाया, क्योंकि अंदर जो काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है। तो 300 रुपये के टिकट में मुझे लगता नहीं इसकी वर्थ है इतनी। तो यार यहाँ से हम अब बाहर निकलने वाले हैं, तो बाहर निकलते रहे मुझे दिखी एम्बेसडर, बड़ी खूबसूरत सी कार जो कि है विंटेज, काफ़ी पुरानी यहाँ पर खड़ी हुई है। और इसके अलावा जो बिल्डिंग प्रमाइसेज अंदर से बहुत खूबसूरत बना हुआ है और बहुत अच्छा लगता है देखने में, और काफ़ी क्लीनिंग है अंदर। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।